कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत एक बार सरकार बन गई तो आप उस पर पक्षपात की भावना नहीं रख सकते। अब सरकार ने भले ही दिल्ली की जनता ने, दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को चुनकर भेजा है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भाजपा को चुनिए। हमें इन दो नियमों का पालन अवश्य करना है जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत आवश्यक है। अभी मैं से पूर्व भिदुड़ी जी ने और आदेश जी ने अपनी बात कही और उसमें सबको अवगत कराया कि किस प्रकार से बजट में लगातार दिल्ली सरकार की वृद्धि हुई है। 37,000 करोड़ से आज तकरीबन 70,000 करोड़ का इनका बजट बना। दिल्ली में इन्फ्लेशन भी हुई, लोगों की संख्या भी बढ़ी और साथ ही जो क्षेत्र है कार्य का वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बढ़ा। लेकिन दिल्ली को अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिए गई सुविधाएं सेवाओं का मौका नहीं देंगे तो क्या आप दिल्ली को एक अच्छा शहर बना सकते हैं? अगर दिल्ली में सफाई नहीं होगी और खास तौर पे जो कूड़ा नहीं उठाया जाएगा, जो दिल्ली में प्राइमरी स्कूल्स का एक तंत्र म्युनिसिपैलिटी चलाती है जहां पे गरीब से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको वो शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको दो वक्त उनको मिड डे मील नहीं मिलेगी, उनको राशन नहीं मिलेगा और दिल्ली की विधवा औरतें जितने हमारे डिसेबिलिटी से अफेक्टेड दिव्यांगजन है, वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी उपेक्षित और मार्जिनलाइज्ड वर्ग के लोगों को अगर आप सुविधा नहीं देंगे तो क्या आप एक अच्छे शासक कहलाएंगे? क्या आपकी सेवाएं उन लोगों को मिलनी नहीं चाहिए? आपको हैरानी होगी कि मैं चाहूंगी प्लीज से कहीं वीडियो चलाए, कल्याणकारी योजनाएं होती है, वेलफेयर स्टेट का मतलब ही ये है। तो जो शासक कल्याणकारी योजनाओं के तहत कल्याण का जन लोक का और लोकतंत्र को स्थापित करने का काम नहीं करे, क्या उसको अधिकार है शासक बने रहने का? ये मेरा एक विचार है और मेरा ये मानना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत आपका तो बजट बढ़ता चला गया, ऐसा कैसे कि पिछले 7 साल के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट कम होता गया? आपको लगता है कि जो महामारी दिल्ली में आई और सबसे अधिक मरने वालों की संख्या दिल्ली में है पर कैपिटा के हिसाब से, ऐसी संख्या के बावजूद जितने लोग बचे हैं क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मियों के काम के बिना रह पाते? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसे अभाव में सबसे प्रभावी ढंग से काम किया है, अभाव में प्रभाव का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया। आपको हैरानी होगी कि न्यायपूर्ण व्यवस्था जिसकी हम सब कामना करते हैं, एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं न्यायपूर्ण व्यवस्था की कामना करती हूँ कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हाशिए पे लोग हैं, उनको पेंशन मिले ताकि वो दो वक्त की रोटी खा सके, उनको राशन मिले ताकि वो दो वक्त अपना जीवन व्यतीत इज्जत के साथ मान सम्मान के साथ कर पाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का जिक्र भिदुड़ी जी पहले ही कर चुके हैं इसलिए मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन आप सबके माध्यम से एक बात यहाँ जरूर दिलाना चाहती हूँ कि 2012 में जब ये लोगों ने पहली बार अपना आने का राजनीतिक दल की घोषणा की तो स्वराज नाम की किताब लिखी थी और उस किताब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो अदर लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी क्षमता ताकत बढ़ाने के लिए उनको बजट में एलोकेशन का 20% दिया जाएगा। ये लिखित शब्द है, जबानी तौर पर 50,000 बार इसको दोहराया गया होगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि द्वेषपूर्ण व्यवहार के साथ म्युनिसिपैलिटीज को ट्रीट किया जा रहा है और वो द्वेषपूर्ण व्यवहार यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि गरीब से गरीब तबका, जिन लोगों ने आपको भी वोट दिया, हमें भी वोट दिया, हम भी जीत कर आए और आप भी जीत कर आए, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ अन्याय करते हैं। जब आप म्युनिसिपैलिटी के हाथ बांधते हैं तो 2 लाख पूर्व में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मी रहे हैं जिन्होंने जी जान लगा के पूर्व में दिल्ली की सेवा की है, आज वो रिटायर हो गए तो उनके पास देने के लिए पेंशन नहीं है,
क्योंकि आपने अव्यवस्था पैदा की और ये एक लंबी अव्यवस्था है जिसमें पूर्व में शिला ऋषि जिम्मेवार रही और बाद में आपने उसी काम को आगे बढ़ाने का काम किया और आज उसी अव्यवस्था के चलते हुए दिव्यांगजन को पेंशन नहीं मिल रही। ऐसे दिव्यांगजन है जिनको पेंशन नहीं मिल रही, इनसे ज्यादा तो मार्जिनलाइज या हाशिए पर कोई और नहीं है और ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि हम इन लोगों की रक्षा सुरक्षा का काम करें। सिंगापुर बनाना है, तभी वो कहते हैं दिल्ली को लंदन बनाना है, तभी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते हैं और जो बिल्कुल राष्ट्रमुख पर काम करने वाला निगम है उस निगम की व्यवस्थाओं को खुद दिल्ली सरकार पंगू बनाए तो इससे ज्यादा कोई बेईमानी नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा कोई अपराध नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कोई अमानवीयता नहीं हो सकती है। मुझे ध्यान है कि जिस समय दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया का कहर था उस समय डीपीसी वर्कर निगम के कर्मी निगम की पूरी व्यवस्थाएं उसको दुरुस्त करने में लगी और डेंगू चिकनगुनिया पर दिल्ली में रोक लगाई, लेकिन जब प्रचार की बात आई, श्रेय लेने की बात आई तो मुख्यमंत्री साहब अपने घर में गमले में पानी बदलकर इस दहाड़ों में डेंगू चिकनगुनिया से विजय प्राप्त करने का वो खुद श्रेय लेते हैं। तो ये सब बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि इस कोरोना महामारी के समय एमसीडी को स्ट्रेंथन करके उसको मजबूत बना के दिल्ली की व्यवस्थाओं को और भी बेहतर किया जा सकता। जिस समय 2015 में इनकी सरकार बनी दिल्ली नगर निगम के 6 बड़े फंड्स पे इन्होंने बिल्कुल कटौती कर दी, सफाई कर्मियों को सैलरी देने का और साथ ही साथ दिल्ली के जितनी छोटी नालियां हैं, बरसाती नाले हैं जो कॉलोनी के अंदर है, जिसके अंदर बारिश से कॉलोनी में बाढ़ की स्थिति आ जाती है, सिर्फ नालियों की साफ सफाई का एक फंड होता था SL3DA, उस फंड को इन्होंने जीरो किया। कम्युनिटी सेंटर के रीडेवलपमेंट, उनके मेंटेनेंस के लिए दिल्ली सरकार का एक हेड था उसको जीरो कर दिया। पार्कों के रख रखाव और पार्कों में डेवलपमेंट का एक फंड था उसको भी दिल्ली सरकार ने जीरो कर दिया। यहां तक कि गांव के विकास के लिए भी दिल्ली के 360 गांव है उनके विकास के लिए दिल्ली सरकार का एमसीडी की ओर से फंड दिया जाता था उस फंड को भी इन्होंने जीरो किया। और इसके साथ साथ हैरानी होगी आपको कि जेजे क्लस्टर में दिया जाने वाला फंड भी उन्होंने नील कर दिया। और ऐसे 6 बड़े हेड जिसमें दिल्ली सरकार हर साल पैसा देती थी फंड निश्चित था उस फंड को सबसे पहले आते ही केजरीवाल सरकार ने जीरो किया। उसके बाद उनका मन इससे भी भरा नहीं कि
ये छोटा संस्था है, इसको कितना दबाव, फिर भी निगम काम करता रहा, फिर भी निगम ने अपने काम करना नहीं छोड़ा, निगम की व्यवस्थाएं चलती रही। उसके बाद इन्होंने निगम की आर्थिक स्रोतों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, और जो ग्लोबल शेयर जो निगम का अपना हक है, जिसका माध्यम दिल्ली सरकार है, लेकिन ये कॉर्पोरेशन के एक्ट में है कि जो पैसे का ग्लोबल शेयर है वो अभी तक 16% दिल्ली सरकार के माध्यम से वो एमसीडी को मिलता था, उसमें इन्होंने कटौती की और वो 12.5% कर दिया। जो बड़ा होता है, बड़ा होकर जो बड़े बड़े जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, उसी को हम बड़ा कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पद तो बड़ा मिल जाता है, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी नहीं करते, वो हमेशा छोटे को दबाते रहते हैं और उनके कामों में बाधा डालते रहते हैं। एक कहते हैं कि जब तलवार और सुई, जहां सुई काम आती वहां तलवार भी नहीं काम आता। हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तव में आज दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी की को मंगू बनाना, उनको राजनीतिक विद्वेष की भावना से उनको काम नहीं करने देना और उनके कामों को मैं बीच में आंका लगाना, ये सब दिल्ली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किया है। जबकि दिल्ली नगर निगम की अगर हम बात करें तो जब सुबह होती है, जब लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते, सोकर भी नहीं उठते हैं, तो दिल्ली नगर निगम सड़कों पर सफाई कर्मी हमारे तैनात होते हैं, निगम के सफाई कर्मी तैनात होते हैं। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर प्राइमरी हेल्थ हो, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया को दिल्ली से भगाने का काम हो, वो भी दिल्ली नगर निगम के कर्मी करते हैं। छोटे प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 57, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 38 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 16, और इसमें सारे पैरामेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर्स के, शिक्षक, सफाई कर्मी और विभाग के निगम कर्मचारी थे। लेकिन ये बहुत दुखद है कि केजरीवाल सरकार इन्हें कोविड वॉरियर मानने से इनकार किया और उन्हें जो आपने 1 करोड़ रुपए कोरोना वॉरियर्स को सम्मान राशि देने की बात कही थी, ये निगम कर्मियों को आप क्यों नहीं दे रहे। मेरा दूसरा सवाल है कि नगर निगमों के कोरोना योद्धाओं की मृत्यु पर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, क्यों भेदभाव कर रही केजरीवाल सरकार, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6,828 करोड़ से घटाकर 6,172 करोड़ कर दिया, यानी 656 करोड़ रुपया फिर भी कम कर दिया, जबकि निभाने का जरूर है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को क्या राजनीतिक विद्वेष है, इस तरह अमानवीय व्यवहार, और वास्तविकता ये है कि वो दिल्ली नगर निगम के साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं वो एक तरह से उनका राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक बदला है। ये राजनीतिक बदले की भावना आप भारतीय जनता पार्टी से करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी, हम लड़ाई भी लड़ेंगे और बात भी करेंगे। लेकिन आप निगम को अगर आप पंगू बना रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आप दिल्ली की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, और ये दिल्ली सरकार लगातार कर रही है। मैं आज एक दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप राजनीतिक द्वेष के कारण नगर निगम को आर्थिक रूप से अपंग क्यों बनाना चाहते हैं, आखिर इसमें आपका क्या उद्देश्य है? क्या निगम कर्मी जो काम करते हैं, सुबह उठकर झाड़ू लगाते हैं, उनको तनख्वाह मिलने का हक नहीं है? क्या पार्कों में काम करने वाले